ओवैसी के बंगाल चुनाव लड़ने से, एआईएमआईएम के बंगाल चुनाव लड़ने से टीएमसी में जबरदस्त बौखलाहट है। टीएमसी ने ओवैसी को बीजेपी का ही हिस्सा बता दिया है। ममता के मंत्री फरहाद हाकिम का ओवैसी को जवाब, बंगाल में वोट बंटेगा नहीं, यहां के लोग मूर्ख नहीं है, फरहाद ने कहा है। असल में वहां महागठबंधन की हार के पीछे ये दो वजह भी मानी जा रही है। कि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस, जाहिर है कांग्रेस का कहना यह है कि हमको वो सीटें दी गई जहां से हम जीत नहीं सकते थे, लेकिन साथ में यह कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट था वो बट गया। एआईएमआईएम को जो 5 सीटें आईं वो यही दिखाती हैं कि मुस्लिम वोट बट गया और इसीलिए महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई। आइए चलें इसको लेकर शोएब जमाई के पास। शोएब जमाई, एआईएमआईएम वहां से भी लड़ेगी और मुस्लिम वोट को ऐसा क्यों समझा जाता है कि वो किसी के इशारे पर मोनोलिथिक भेड़ की तरफ, किसी भी तरफ चल देगा? यही बात तो है कि गुलाम समझते थे 70 सालों से, अब मुस्लिम अपनी राहें देख रहा है कि हम हमेशा क्यों उनकी गुलामी करें, हम जिसके साथ मेरी आवाज़ मिलती हो हम उनके साथ जाएं। और देखिए जो इल्ज़ाम लगा रहे उस पर जवाब, जन अधिकार पार्टी और एमआईएम दोनों ने ये कोशिश की थी कि महागठबंधन में आए, 10-10 सीटें हमने मांगी थी लेकिन ठुकरा दिया गया। अब चूंकि हार गए हैं और एम्पिरिकल डेटा भी शो कर रहा है कि हमारी एमआईएम की वजह से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि खुद कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ है, इसी तरह बंगाल में हम कोशिश करेंगे कि एमआईएम का और दीदी के साथ एक गठबंधन हो जाए, कम सीटें मिले लेकिन वहां पे नुकसान ना हो मुस्लिम वोटों का, ये हमारी कोशिश रहेगी और टीम शाहीनबाग इसके लिए कोशिश करेगी और ओवैसी साहब से भी बातचीत करेगी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।